नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने ही चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं दोस्तों प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा नीप करौली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें और आपके जीवन में आप सभी का उचित मार्गदर्शन करते रहें। भक्त एक बालक की तरह होता है, हमेशा उसके अंदर एक बालपन होता है, चाहे वह चेतना जागृत हो या सुप्त चेतना वाला, परंतु उसके अंदर जो बाल सुलभ स्वभाव होता है वह कभी नहीं जाता। बालक स्वरूप मतलब जैसे एक बालक को आप कुछ करने के लिए कहेंगे, वह करने से पहले अपनी जिद करेगा और कहेगा कि मुझे तो ये दो। आप फिर से उसे कहेंगे कि नहीं थोड़ा ये काम कर लो या थोड़ा इस तरह से कर लो, तो वह मना करेगा, कहेगा कि नहीं मुझे तो पहले मेरी पसंद की चीज़ लाकर दो, तभी मैं कुछ करूँगा। यही सब भक्तों के साथ अक्सर होता है। भक्त महाराज जी का सानिध्य तो चाहते हैं, उनका आशीर्वाद भी चाहते हैं, लेकिन उनके दिखाए गए मार्ग पर कुछ करना नहीं चाहते। एक होता है ना कि मान लो कोई झूठ बोलता है और वो कहते कि महाराज जी लीजिए मैंने आज से झूठ बोलना छोड़ दिया, अब आप मेरे लिए चमत्कार कीजिए, आप मेरे लिए ये करिए, आप मेरे लिए वो करिए। इस तरह से उसकी बाल सुलभ मांगे निरंतर सामने आने लगती हैं। भगवान से मांगने में तो फिर भी भक्त ये सोच लेता है कि शायद भगवान की मर्जी ना हुई होगी या उनकी इच्छा ना हुई होगी, परंतु अगर गुरु की बात आती है और संत की बात आती है तो मनुष्य या भक्त सबसे पहले उस पर अपना अधिकार जताते हैं और कहते हैं कि आपको तो ये करना ही पड़ेगा, आपको प्रत्यक्ष में हमारे लिए हमारी इच्छा का परिणाम लाना होगा। वह भूल जाते हैं कि जो संत सामने है, जो गुरु सामने है, ये स्वयं ईश्वर हैं और वह उस गुरु और संत को बिल्कुल बराबरी का समझने लगते हैं, जो कि सर्वथा अमान्य है। दोस्तों, एक भक्त के जीवन में भी सबसे बड़ी कठिन की परीक्षा घड़ी होती है जब उसे अपनी भक्ति की आसक्ति हो जाए, जब उसे अपने भक्ति का ही अहंकार हो जाए और अपने ईश्वर के नज़दीकतम होने का अत्यधिक उल्लास आ जाए। ये सब कुछ हानिकारक होता है और वास्तव में ये सब एक तरह का भ्रम ही होता है। मनुष्य यहाँ पर ना सिर्फ भौतिक जगत का भ्रम पालता है, अभी तो कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जब वही मनुष्य भक्ति के भी भ्रम में चला जाता है और तब उसके जीवन में आगमन होता है एक सच्चे गुरु का। एक गुरु वो छलनी होती है जो ना सिर्फ आपके अनावश्यक गतियों को छनती है, उन्हें रोकती है, अपितु दूसरी दिशा से आपके अंदर सच्चे ज्ञान का प्रकाश भी प्रवेश कराते हैं। वह एक ऐसी छलनी होती है जो आपको अंदर और बाहर दोनों स्वरूप के अंदर छानती जाती है और समांतर रूप से शुद्ध करती जाती है। इसीलिए गुरु का बहुत महत्व माना गया है। ईश्वर स्वयं कहते हैं कि अगर मेरे तक आना है तो गुरु के द्वारा आओ, क्योंकि ईश्वर स्वयं कभी नहीं चाहते कि उनका भक्त अपनी भक्ति की आसक्ति लेकर उन तक पहुँचे। आज आपको एक ऐसा अनूठा किस्सा सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने ये बात स्पष्ट करी कि एक मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है और क्या आवश्यक नहीं है। और वास्तव में तो सबसे बड़ी महिमा त्याग की है। आप बाबा महाराज जी की इस घटना में यह भी जानेंगे कि त्याग का कितना महत्व होता है। दोस्तों, आपके लिए हम ऐसे भक्ति में वीडियो लाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। आप सभी का किया गया एक एक शेयर हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। जितना ज़्यादा आप लोगों को शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा लोगों तक महाराज जी कथा प्रसाद पहुँचेगी और इसका एक आप भी कारण बनेंगे। और जो लोग चैनल पर नए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, आप वो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुँचें। आइए ले चलते हैं बिना देरी करे आपको उस अद्भुत घटनाक्रम पर। एक बार महाराज जी माइयों से घिरे हुए थे, तब एक माँ ने बाबा महाराज जी से पूछा कि बाबा आप हमारे सांसारिक वस्तुओं के बारे में बातें करते हैं कि किसके कितने बच्चे हैं, कितना पढ़ा हुआ है, कौन क्या करता है आदि आदि, आप हमें उस निराकार ब्रह्म के बारे में क्यों नहीं बताते कभी। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है माँ, हम तुम्हें कल बतला देंगे इसके बारे में भी। वह माई बहुत ही खुश हुई और उसे अपने भक्ति पर इतना अभिमान होने लगा कि अरे वाह, आज तो बाबा महाराज जी ने मेरी ये बात मान ली और मुझे जब परम ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तब तो मैं सीधा मोक्ष को प्राप्त कर लूँगी। यही सब उल्लास की अतिशोक्ति के बीच वह माई कैंची आश्रम में अपना निर्धारित काम करने के लिए चली गई। उसके घर लौटने की गतिविधि में नैनीताल के लिए जब गाड़ी का समय हुआ तो महाराज जी को प्रणाम करके जाने लगी। तो बाबा ने उसे पूछा कि अरे माई, तू तो अब जाने लगी है। वह माँ बोली कि जी हाँ महाराज जी, मुझे घर परिवार को भी देखना होता है, खाना बनाना होता है और सब काम करने रहते हैं। तब महाराज जी थोड़ा दृढ़ हुए और बोले, सुन अभी मत जा, हम तुम्हें ब्रह्म के बारे में बतलाएंगे, तू यहीं बैठ जा माई। ये सुनकर वह माँ बड़ी दुविधा में पड़ गई। उसे काटो तो खून नहीं, उसी भारी असमंजसता के बीच वह माँ घर जाने के लिए महाराज जी से जिद पर अड़ गई और कहा कि बाबा, घर की देखभाल भी बहुत ज़रूरी होती है, आप तो यहाँ बैठे भक्तों से घिरे रहते हो, परंतु मैं तो इकलौती घर के अंदर बहू हूँ, मुझे तो सब कुछ घर का देखना होता है। इस पर महाराज जी मुस्कुराए बोले, अरे नहीं नहीं, रुक जा यहीं पर, हम तुम्हें ब्रह्म के बारे में बतलाने वाले हैं, तू यहाँ बैठ, आज घर मत जा। यह सुनकर वह माई थोड़ी सख्ते में आ गई और बोली कि बाबा ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो जाना ही होगा। तब महाराज जी थोड़ा उनकी ओर झुके और बोले, पर पहले तो तुम ब्रह्म को जाना चाहती थी और अब तुम कहती हो माई कि यहाँ रुकना कैसे संभव है। उस माई के पास इसका कोई उत्तर नहीं था।
वह हड़बड़ाहट में उठी और बाबा महाराज जी के जल्दी जल्दी चरण छूकर तुरंत तेज कदमों से बाहर निकल गई। जब वह चली गई तो दोस्तों महाराज जी ने वहाँ उपस्थित अन्य भक्तों से कहा कि देखा उसको, पहले तो वह ब्रह्म की बात कर रही थी और अब वह घर की सोच रही है। एक मनुष्य एक ही समय में दो काम नहीं कर सकता। ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, कोई खिलौना नहीं है जिसे तुम खेल सको, अपना मन बहलाओ और अपनी खुशियाँ प्राप्त करके उसे छोड़ दो। इसके लिए तो तुम्हें कुछ त्याग करना पड़ेगा। तभी वहाँ उपस्थित किसी भक्त ने महाराज जी से पूछा कि बाबा, भक्तों की अपनी इच्छाओं का परित्याग कैसे होता है? तब महाराज जी ने आँखें बंद करी और बड़ी धीरता से बोले कि जब सही समय आ जाता है। दोस्तों उनकी बात के पीछे बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। यह सही समय खुद महाराज जी तय करते हैं। एक गुरु भलीभांति जानते हैं कि ये जीव आत्माएं हर जन्म के अंदर किन किन कार्य बंधनों से बंधी होती है और किन किन कर्मों की कितनी अवधि होती है। गुरु से कुछ भी छुपाया नहीं छुपता और ना ही गुरु सर्वसम्मत होते हुए भी विधि के विधान में कभी हस्तक्षेप करते हैं। गुरु तो एक स्वतंत्रता की पराकाष्ठा वाली ऊर्जा है जो सत्य भी है और जो अटल भी है। और उधर जब वह माई गाड़ी पकड़कर नैनीताल स्थित अपने घर तक पहुंची, तब तक पूरे रास्ते में उसे भली बात यह समझ आ गया था कि ब्रह्म का ज्ञान उसके बस का नहीं। वह महाराज जी के डांट पर खुद को अब आत्मग्लानी महसूस करने लगी कि क्यों वह महाराज जी से इतनी जिद कर रही थी। बाबा तो अंतर्यामी है, बिना मांगे ही सब कुछ देते हैं, फिर भी महाराज जी के सामने वह एक जिद्दी मनुष्य का स्वरूप में आ गई। और उसने घर पहुंचकर अपने घर के मंदिर में बाबा महाराज जी से माफ़ी मांगी और उन्हें नमन किया। इस प्रकार बाबा महाराज जी ने भक्तों के अंदर त्याग की क्या आवश्यकता होती है ये स्पष्ट कर दिया। जो मनुष्य यहाँ के कार्यों को बहुत महत्व देते हैं और उन्हें बड़ा ही ईमानदारी से अपने कर्मों को निर्वाह करते हैं, उनके लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि जब भटकाव के कारण आपके कर्म गलत दिशा में चले जाते हैं तभी आपके जीवन को चोट पड़ती है, अन्यथा तो आपके सारे कर्म आपके गुरु के नियंत्रण में होते हैं। वह स्वतः आपके कर्मों को दिशा देते हैं और उनका संपादन करवाते हैं। अतः अगर आप भी महाराज जी में विश्वास करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो सब कुछ उन पर छोड़ दीजिए, उनसे बड़ा नियंत्रक कोई नहीं। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाते जाते इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे शुभंग के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए पूजनीय बाबा हनुमान और बाबा नीक करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।